नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप कैसे शादी कर सकते हैं। आप NRI हैं और इंडियन लड़की को प्यार करते हैं और आपको कोर्ट में शादी करनी है, या हो सकता है आप NRI ना भी हों, आप किसी और देश के USA के या कनाडा के या किसी और देश के सिटीजन हैं और आपको इंडिया में मैरिज करना है, इंडियन लड़की से मैरिज करना है, तो आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से कोर्ट मैरिज इंडिया में कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। साथियों, मैं आपको बताऊं कि कोई भी NRI क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में आकर के शादी कर सकता है और शादी करने से यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, परंतु जो शादी करने वाला दूसरा पार्टनर होना चाहिए वो हिंदुस्तान का होना चाहिए। तो अब प्रश्न है कि आप कोर्ट मैरिज यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट मैरिज करने के लिए आप अगर हिंदू रिलीजन के माध्यम से अगर आप करेंगे तो पहले आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी होती है, या फिर आपने किसी और कम्युनिटी के आपने शादी कर लिया कहीं और, तो आपको शादी का एविडेंस देना होगा, यानी कोई सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद से यहाँ पे प्रोविज़न होता है, यानी लीला हेल्प करती है कि आप के शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जा सके। जब कोर्ट में शादी को रजिस्टर्ड कराने के लिए एक ही दिन में हो सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक दिन से दो दिन के अंदर होता है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि एक दिन के अंदर ही NRI शादी हो जाए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक ये है कि आपको एम्बेसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, दूसरा आपका मैरिटल स्टेटस हमें मिलना चाहिए कि आप पहले से शादीशुदा तो नहीं है, और तीसरा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिलना चाहिए कि आप पर कोई क्रिमिनल, आपका कोई ऐसा तो नहीं है कि आप भागने के लिए, आप हिंदुस्तान में बसने के लिए या कोई अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को छिपाने के लिए आप यहाँ पर शादी करना चाहते हैं। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एज प्रूफ और फोटोग्राफ चाहिए होता है, गवाह भी चाहिए होता है, जो गवाह हिंदुस्तान से ही मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो तीन डॉक्यूमेंट मैंने बताया है, जिसमें एम्बेसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा आपका हो गया मैरिटल स्टेटस हो गया, और तीसरा हो गया कि कोई आपका क्रिमिनल पृष्ठभूमि नहीं होना चाहिए, अगर आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाते हैं तब भी आप इंडिया में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। एक एफिडेविट हम बनवाते हैं, जिस एफिडेविट के माध्यम से इन तीनों के बारे में हम आपसे ये सहमति लेते हैं कि आप हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, और बाकी जो दो है उसके लिए भी आपसे ये कहते हैं कि आप हमें प्रोवाइड करेंगे, और इसके बेसिस पे आपकी शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। तो NRIs को यदि शादी करना है तो जो हेल्पलाइन नंबर हमने दिया है 8800444555, आप उस पर संपर्क कर लें, और इससे संबंधित कोई भी आपको अगर जानकारी हो या कोई स्पेसिफिक जानकारी हो तो हम आपको इसमें बिल्कुल मदद करेंगे। NRIs कैसे हिंदुस्तान में कोर्ट मैरिज करें, किस प्रकार से हिंदुस्तान में अपनी शादी करें, यह लीला इसके एक्सपर्ट है और हम आपको इस मामले में काफ़ी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।